हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 26 सितंबर और आज से नवरात्रि स्टार्ट है, तो मैं फास्ट रखती हूँ। तो अभी मैंने पूजा कंप्लीट कर दिया है। आज माता सरस्वती का पहला दिन था और पहला अध्याय कंप्लीट हो गया। अभी बच रहे हैं सुबह के 10:24, थोड़ा सा लेट हो गया, बट पूजा अभी मैंने कंप्लीट कर ली है। सच में बहुत अच्छा लग रहा है। इस फेस्टिवल का इतना इंतजार होता है, साल भर आप वेट करो इस फेस्टिवल के लिए, तब जाके आता है। और सच में घर में इतनी रौनक सी हो जाती है इस पूजा से, पूरा बहुत अच्छा लगता है और सब कुछ बहुत ही सुकून जैसा और एकदम फील अच्छा होता है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी जस्ट पूजा करके आई हूँ। अभी भाई लोग, अब मैं अभी मतलब कुछ दिन खाना नहीं बनाऊँगी, 9-10 दिन घर में, क्योंकि पूजा का इतना सब सारा हो जाता है और फास्ट रहता है तो थोड़ा सा काम बच जाता है। तो भाई लोग मुझे सोचा है खुद ही बना लेगा, तो वो लोग बनाया है। अभी आरती वारती कंप्लीट करके अब शायद खाने गया है। तो फिर बहुत अच्छा लग रहा है एक साल बाद, लेकिन घर से दूर होने से होता है ना, थोड़ा सा सब कुछ खुद करना पड़ जाता है। घर पर रहो तो सब एक साथ आरती गाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सचमुच, पर क्या कर सकते हैं, कोई ना, ऐसे ही बस भगवान का आशीर्वाद बना रहे। आप सबको भी नवरात्रि की शुभकामनाएं, सब खुश रहना और भगवान की अच्छे से पूजा करना, ठीक है। भगवान आप सबको अच्छा लाइफ प्रोवाइड करे, हेल्दी लाइफ प्रोवाइड करे। माता दी कैसा लग रहा है? मस्त आया ना? काम भी करना है। ज्यादा पैसा लूटेगा मम्मी से? झूठ ना बोलो। हम भी अपना जा रहे हैं अपना हेयर ऑयल का अनबॉक्सिंग करने। सो ये मैंने मंगाया है कोकोनट ऑयल, इसका वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा नेक्स्ट वाला। तो सिलाई चलवा लेना, उसमें क्या है, सिलाई चलवा लेगा, नहीं चलेगा तो उसको ट्राई तो कर लो, नहीं फटेगा। हम भी 200 समथिंग। सो अभी फ्लिपकार्ट से आ गया है पार्सल, तो अभी इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। सबका एक एक पार्सल आया है, सबने कुछ कुछ ऑर्डर किया था बिग बिलियन डेज में। तो चलिए, मैंने तो कोकोनट ऑयल मंगाया है, खत्म हो गया था, तो छोटा ट्राइपॉड बहुत काम का। अनबॉक्सिंग वीडियो सारे मैं इसी से शूट करती हूँ। चलिए तुम्हारी तो है ना, रख दो पैक करके ट्रॉली में रख दो, ठीक है। कितना मील हो गया कपड़ा में तुम? इसके साथ शॉर्ट्स दिखा के इसको लॉन्ग पैंट दे दिया। तू हमारी दिखा रहा है ना, एक्सपेक्टेशन रियलिटी। मैंने मीशो से एक ऑर्डर किया था टी शर्ट, वो सिर्फ 45 रुपीज का है। आपको दिखा देती हूँ, सिर्फ 45 रुपीज का है। अभी मैं इसको अनबॉक्स करूंगी, फिर देखती हूँ कैसा है, फिर मैं इसका अनबॉक्सिंग वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूंगी। देखो 45 रुपीज लिखा है ना, मैंने अनबॉक्सिंग कर भी ली और सच में ये 45 रुपीज की टी शर्ट इतनी प्यारी लग रही है और इतनी सॉफ्ट है। मतलब वो कुछ ऑफर्स चल रहे थे उसमें मैंने इसको लिया था और सच में बहुत प्यारा है। मैं इसको पहनूंगी तो आपको दिखाऊंगी, बहुत प्यारा है, इतना सॉफ्ट सा कपड़ा है ना। अच्छा हुआ मुझे मिल गया, क्योंकि उसके बाद आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था, तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। शाम हो चुकी है और भूख लग चुकी है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ड्राई फ्रूट
और थोड़ा सा कोई फ्रूट खा लेना चाहिए। दो केले खाए थे और चाय पिया था। अभी तक उसके बाद कुछ नहीं खाया। अब भूख बड़ी जोर की लग चुकी है, सर बहुत दुख रहा है। मतलब अभी फर्स्ट डे है और अभी से ही सर दर्द स्टार्ट। पर क्या ही कर सकते हैं, कोई ना हो जाएगा सब। पेट पूजा किया जाए फिर, क्योंकि शाम हो जाएगा तो फिर पूजा भी करना होगा, आरती वारती तो खा नहीं सकते हैं। फिर चाय वाय पियेंगे बस। तो इतना चलाएगा भाई इसको, काम कर। पानी रख देना था ना। तो यहाँ ये बना रहा है मेरे लिए साबुदाना। मैंने इतना मना किया फिर भी बना रहा है। हाँ हो गया, छोड़ो ना, कोई ना खा लेंगे, ऐसे भी बोले तो नहीं, बनाने के लिए बना दिया था। बनाना ठीक है। तो ये साबुदाना भाई ने बनाया तो थोड़ा खा लेती हूँ। मैंने उसको इतना मना किया था कि मत बनाओ, फिर भी बना दिया। मेरा मन नहीं करा था बनाने का, फिर उसने बना दिया तो मैं खा लेती हूँ फिर। तो अभी चल रही है इस दोनों की पढ़ाई। और मैंने तो साबुदाना खा लिया जो भाई ने बनाया था, उसने अपना पूरा एफर्ट डाल दिया बनाने में। थोड़ा सा चिपक गया था, हल्का सा थोड़ा सा हाफ को उगता, बट फिर भी मैंने खा ली क्योंकि उसने इतने प्यार से बनाया था। मेरा मन नहीं करता, मेरी इतना तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी, थोड़ा सर दर्द हो रहा था, तो इसलिए मम्मी ने उसे बोला बनाने, तो उसने बना दिया। और सच में मतलब इतना केयरिंग है ना भाई मेरा कि क्या बताऊँ। और अभी उन लोगों ने खाना भी नहीं बनाया है, दोनों अभी क्लास खत्म करेंगे फिर खाना बनाएंगे फिर खाएंगे। वैसे मैं बना देती पर उन लोगों ने बोला कि मतलब 9-10 दिन हम बना देते हैं, उसके बाद फिर तो तुम बनाती हो। सो अभी मैंने तो खा लिया है जो शाम को ही खाया था। मेरा मन कुछ नहीं करा, बस पानी वानी पीऊंगी और फिर सो जाऊंगी, क्योंकि मेरा ना बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, पता नहीं क्यों। और अभी मैंने अपने फेस पे एलोवेरा जेल लगा लिया, मैं सोने से पहले हमेशा लगा लेती हूँ। मैंने कोशिश की है कि आपके साथ अपना कुछ लाइफ का थोड़ा सा शेयर करूँ जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको पसंद आया हो। अभी मुझे उतना नहीं आता ब्लॉगिंग वगैरह, बट मैं कोशिश करूंगी धीरे धीरे इसको रेगुलर करने की। और आई विश कि आप लोगों को भी पसंद आए, और प्लीज़ सपोर्ट करो आप लोग, और बहुत सारा अपना प्यार दो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना। और तो आज यही सिंपल सा डे रहा हमारा, काफ़ी सिंपल सा रहा, कुछ नहीं, बस जैसा था वो आपके साथ हमने शेयर करा और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फिर आपसे मिलते हैं फिर कल, कोशिश करूँगी कल भी आपसे मिल पाऊँ। और अपना ख्याल रखना, और आप सब हमेशा खुश रहो, और अपना ध्यान रखना, और नवरात्रि अच्छे से सेलिब्रेट करना, अपनी फैमिली को बहुत सारा प्यार देना। तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।